नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं पलिया, जैसा कि आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि विकास खंड यहां पे पलिया से हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं ग्राम पंचायत नंगला और उसके यहां पे जो विकास खंड पलिया और तहसील भी यहां पे पलिया लगती है जनपद लखीमपुर खीरी से। यहाँ पर कुछ लोगों की जो शिकायतें हैं वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा इन लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ पे 18-18, 20-20 हज़ार रुपये जो आगे जा रहे हैं उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ये बात सही है या गलत है, इनको किसी ने गुमराह किया है। तो आइए, हमारे साथ वो शिकायत करता है, उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों के द्वारा यहाँ पे क्या बताया गया और यहाँ पे जो ग्राम प्रधान है उनके द्वारा क्या बताया गया। पहले नाम बताओ। विशाल। कहाँ के रहने वाले? नंगला। अच्छा, ये बताओ क्या मैटर था आज? मैटर का यही था, मैटर हमारी आवाज़ आने वाली थी, प्रधान ने बोला कि ऐसा करो, पहले इतने रुपये एडवांस में पहले भर दो, उसके बाद में आवास मिलेगी। अच्छा, तो हमने बोला ठीक है, हम देते हैं आपको। फिर हम लोग कर्जा निकाल कर इसको रुपये दिए, उसके बाद कितने रुपये दिए? 18,000। 18,000। हाँ, किसको दिए थे बाद में? पहले श्रीराम को थोड़े दिए, बाकी फिर उसका उनका था पंचायत मित्र के दूसरा, उनको दिए आधे। पंचायत मित्र का क्या नाम है? पंचायत मित्र का क्या नाम? नाम मालूम का। प्रधान क्या क्या नाम? प्रधान श्रीराम। श्रीराम। अच्छा, उनके द्वारा यहाँ पे आपसे 18,000 रुपये मांगे गए थे, दे दिए आपने, आवास आई या नहीं आई? आई। फिर अब क्या समस्याएं? उसके बाद जो नरेगा होता है उसका क्या बोलते हैं, लेबरी वाला, वो पूरा रोक दिया उन्होंने। वो किस लिए रोका? अब वही जान सकते आगे। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी भाई हैं, वो भी शिकायत करता है, उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्याएं यहाँ पे बनी रही। पहले नाम बताओ। मेरा नाम दलवीर है और लेबरी पैसा फंसा है 45 दिहाड़ी। तो उसके मैंने बोला था उसे श्रीराम से, मैंने कहा लेबरी पैसा दिला दो, तो बोला 2,000 रुपया दो तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। 2,000 किस चीज़ के? वो लेबरी पैसा जो फंसा उसी चीज़। नहीं, लेबर प्रधान ने अपने आप लगवाया था या आप मजदूरी कर रहे थे आवास? नहीं, और कर रहे थे, हम भी लोग करिए करिए थे। अच्छा, क्या समस्याएं फिर बनी रही? आपने कितना पैसा दिया प्रधानमंत्री आवास योजना? हमको 18,000, उनको दिए थे 18,000, 2,000 और मांग रहा, तो हम देना नहीं चाहते हैं, तो बोला जो गन्ना कर लो, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, आज आप लोगों ने तहसील दिवस था, वहाँ पे क्या कोई एप्लीकेशन दी है? हमने, हाँ हमने दिया था। क्या एप्लीकेशन दिया, किसको दी वहाँ पे? वहाँ उसका DM को। अच्छा, क्या बोले DM साहब? वो लिख के रख लेते, देखो उसमें हो जाएगा आपका काम। उन्होंने बोला कि हो जाएगा आपका काम। पैसे वापस कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे? बोल रहे थे कि कराएंगे वापस हम। अच्छा, वापस कराएंगे। आपके ग्राम प्रधान क्या बोल रहे हैं, वापस करेंगे या नहीं करेंगे? वो बोले कि सभी को इतना ही मिलता है ये। तो वो बोले कि सभी को इतना ही मिलता है ये। अच्छा, सभी को इतना ही मिलता है। 1,20,000 की आवास आती है, उसमें से 20,000 प्रधान ले लेते हैं, 1,00,000 मात्र शेष मिलता है। हाँ। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग है कोई आपके पास? रिकॉर्डिंग नहीं, मैं गया था उनके पास घर पर, खुद दो चार पाँच चक्कर घर पर लगाया था मैंने, तो हमेशा वो बोलते थे कि इतने सभी को दे रहा हमें, यही बोलते हैं हमेशा वो। अच्छा अच्छा, और कोई समस्याएं ग्राम पंचायत के अंदर? आवासें सबको मिल रही हैं, जो पात्र हैं उनको आवासें मिल रही हैं या नापात्रों को दी जा रही? जिनके पास टिकट डाले उनको दे रहा, जो गरीब उनको नहीं दे रहा है, वो तो जिनको जो वोट दिए उन्हीं को दे रहा, और जो बंदे वोट नहीं दिए उनको नहीं दे रहा। बस यही काम कर रहा प्रधान, और क्या करेगा, ना नाली बनवा रहा, कुछ बना ना रास्ता बनवा रहा, अपन मन का काम करवा रहा। ईंट उखाड़ के फेंका था उसने, उसको वही प्रधान ने, हमारे पास वीडियो वही है, मेरे पास है। किस लिए ईंट उठा के फेंकी? बोला था मतलब पक्का नाल बनवा दो वहीं पे, पानी निकलने, दूसरे का पानी निकलने के लिए, और तो उसके बाद में नाली निर्माण होना था। हाँ, तो बोला पक्का नाल बनवा दो, तो वो दूसरे बंदे बोला पाइप डाल लो पानी निकलने के लिए, तो बोला पाइप नहीं, नाला बनेगा, तो बोला दूसरा बोला कहीं नहीं, नाला नहीं बनने देंगे हम। उसके बाद में तो ईंटा उखाड़ दिया, उखाड़ फेंक दिया था काफ़ी, उसका वीडियो हमारे पास है। प्रधान ने बोला जो वोट दिया उन्हीं को बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। तो आइए हमारे साथ, अभी हम प्रधान जी से भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्याएं बनी रहे और प्रधानमंत्री आवास योजना पे क्यों इन लोगों से, गरीब लोगों से ठगा जा रहा है 20-20 हज़ार।